आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बटाटा पड़ा यानी कि बड़ा पाव बनाने की रेसिपी। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपीज में से एक है, तो अगर आप भी कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। बटाटा बड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल में डालेंगे 1 कप जितना बेसन। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच जितना नमक या अपने स्वाद अनुसार, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीनों चीज़ों को डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 कप जितना पानी लेंगे, जिसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। हमें इसका जो घोल है वो ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा थिक, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और इस तरीके का एकदम स्मूथ घोल तैयार करेंगे जिसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अभी मैं आपको इस घोल की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इस तरीके का हल्का थिक घोल रखना है जिसकी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग होनी चाहिए पर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इस घोल को 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तब तक एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कली। इसे हल्का सा भून लेंगे। जब लहसुन हल्का सा भून कर तैयार हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 मूंगफली। आप रोस्टेड या अनरोस्टेड कैसी भी मूंगफली इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना तिल। तिल को हल्का सा चटकने तक भुनने देंगे। जब तिल हल्के हल्के चटकने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना ये नारियल। नारियल को मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्का कलर चेंज होने तक भुनने देंगे। जब नारियल इस तरीके का हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए तब इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने ली है 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक या अपने स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर। तीनों चीज़ों को डालकर मिक्स कर देंगे। नमक इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ें हल्की सी भुनकर तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इस पूरे मसाले को हल्का सा भुनकर तैयार कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर मैं लहसुन नारियल और तिल की चटनी बना रही हूँ जो बटाटा बड़ा के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने ये सूखी नारियल की चटनी बनाकर तैयार कर ली है। हमारी चटनी बनकर तैयार है जिससे हमारे बटाटा बड़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब भी आप बटाटा बड़ा ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चटनी को ज़रूर बनाएं। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे एक बार बनाकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो यहाँ हमारे सूखे नारियल की चटनी बनकर तैयार है। चटनी को रख देते हैं साइड से और चलते हैं बटाटा बड़ा की स्टफिंग बनाने के लिए। बड़ा की स्टफिंग तैयार करने के लिए वापस से एक पैन में डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इतने राई। जब राई हल्की चटकने लगे तब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही डालेंगे 8 से 10 मीठे नीम के पत्ते। सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। सभी चीज़ें हल्की सी भुनकर तैयार हो जाएं उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को इसमें हल्का सा भून लेंगे। सभी मसाले तैयार हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने इस तरीके से पीसेस में कट करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसे पहले से ही मैश करके डाल सकते हैं। पूरे मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब इसमें पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इन आलूओं को अच्छे से मैश करेंगे। तो मेरे पास ये पोटैटो मैशर है तो इसकी सहायता से मैं मैश कर लूँगी। आप चाहें तो किसी भी बोल या ग्लास की सहायता से भी इसे आसानी से मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इन आलूओं को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर इसी तरीके से भूनेंगे। इसे इस तरीके से लगातार चलाते रहना है जिससे सभी आलू जो है वो अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएं। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें लास्ट में ही डालना है, अदरवाइज आलू जो है वो पानी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्टफिंग है वो हल्की लूज बनेगी। तो यहाँ नमक डालकर भी मैंने इसे 1 मिनट के लिए वापस से भून लिया था। तो यहाँ हमारी स्टफिंग तैयार है। अभी हम इस पूरे स्टफिंग को एक अलग बोल में निकाल लेंगे। स्टफिंग अभी हमारी काफ़ी गर्म है तो इसे इस बोल में डालकर हम हल्का ठंडा होने देंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का इस बोल में फैला देते हैं जिससे स्टफिंग जल्दी ठंडी हो जाएगी। एक बार हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इस स्टफिंग से छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे जिसके हमें बड़ा बनानी है। बड़ा का साइज़ आप पर डिपेंड करता है, आप छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं।
इस तरीके का मीडियम साइज़ के बड़ा बनाएं जो कि बहुत अच्छे लगेंगे पाव के साथ। तो सेम इसी तरीके से हम सारे बड़ा के लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टोटल इससे 10 बॉल बनाकर तैयार करी हैं, जिससे हमारे 10 पटाटा बड़ा बनकर तैयार होंगे। तो अभी हम अपने बेसन के घोल को ले लेते हैं। यहाँ हमारे बेसन का घोल भी अच्छे से सेट हो गया है। आप चाहें तो डायरेक्ट आप इस बेसन के घोल में बड़ा को डालकर फ्राई कर सकती हैं, बट मैं इसमें एक चुटकी जितना ये बेकिंग सोडा डालूंगी, जिससे बेसन जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी रहता है और इस बड़ा के ऊपर बहुत ही अच्छी बेसन की लेयर आती है, जो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकती हैं। अभी हम इसमें से एक बॉल को लेंगे और इसमें डिप करेंगे अच्छे से, और अब हम इसे निकाल कर जल्दी से ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो एक साथ इन बड़ा का कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छे से सिकेंगे नहीं, और अगर ऑयल ठंडा हुआ तो ये नीचे तले में चिपक जाएंगे। तो इसीलिए एकदम मीडियम गर्म ऑयल में हम सभी बड़ा को डाल देंगे। जब बड़े एक साइड से हल्के सिकने लगेंगे तो इसे हम पलट देंगे, और पलट पलट कर सभी साइड से अच्छा कलर चेंज होने तक इसे सिकने देंगे। तो इस तरीके से इसे पलटते रहें। बड़ा को सेकते समय गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अगर आप इसे धीमी आंच पर सेकेंगे तो ये ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेंगे और ज़्यादा ऑयली बनेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे बड़ा का कलर अच्छा चेंज हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे सेकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन बड़ा को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इन्हें निकाल कर हम एक टिश्यू पेपर पर रखेंगे, जिससे इसमें एक्सेस ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ हमारे एकदम बढ़िया बड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ बड़ा के साथ मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी फ्राई कर ली है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मिर्ची फ्राई करने से पहले आप याद रखें कि मिर्ची में आप हल्का सा कट लगा लें इस तरीके से। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो मिर्चियाँ जो हैं वो ऑयल में जाकर चटकने लगेंगी। तो सभी मिर्चियों को मैंने कट लगा कर फ्राई कर लिया है। तो अभी हम अपने बटाटा बड़ा यानी कि बड़ा पाव को सर्व करेंगे। तो बड़ा पाव तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर एकदम फ्रेश पाव। तो पाव को हल्का सा बीच से इस तरीके से कट करेंगे। आपको इसे पूरा कंप्लीट कट नहीं करना है, हल्का सा साइड में हम इसे जुड़ा रहने देंगे। पाव को हल्का सा कट करने के बाद जो सबसे पहले हमने नारियल की चटनी बनाकर तैयार की थी उसे इसके ऊपर लगाएंगे। साथ ही डालेंगे हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च हरे धनिया की चटनी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अभी हमने जो बड़ा बनाकर तैयार किए थे, एक बड़ा को इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे। हल्का सा प्रेस करने के बाद वापस से ऊपर थोड़ी सी नारियल की चटनी डालेंगे, साथ ही डालेंगे थोड़े से हरे धनिया की चटनी। जिस तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ इस तरीके से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही लास्ट में लगाएंगे एक हरी मिर्च, और ये टेस्टी हमारा बटाटा बड़ा यानी कि बड़ा पाव बनकर तैयार है। तो आज के बड़ा पाव बनाने की रेसिपी आप सभी को कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरीके से और अच्छी अच्छी रेसिपीज आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।